साउंड ऑफ द यूनिवर्स, एक छोटा सा शब्द और अपने अंदर समेटे हुए हैं बहुत सारे रहस्य। नमस्कार, मैं हूँ आरुषि, एब्सेक टॉक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं ओम सबसे ज़्यादा जल्दी पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? तो आइए जानते हैं हम इसको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओम का अर्थ। ओम मिलकर बना है तीन अक्षरों से, अ, उ और म, लेकिन इसके साथ एक शांति भी जुड़ी है। उसको कैसे यूज़ करना है हम आगे देखेंगे। अ का अर्थ है उत्पत्ति, उ का अर्थ है विकास अर्थात उन्नति, और म का अर्थ है ब्रह्म में लीन हो जाना। तो कैसे हमारी पूरी लाइफ को ओम आसानी से डिस्क्राइब कर देता है। अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। आप सभी भली भांति परिचित होंगे ओम के बहुत सारे बेनिफिट्स से, तो एक बार फिर से उन्हें रिकॉल कर लेते हैं। ओम हमें देता है शांति, पॉजिटिविटी और एक पावर। जिस रूम में बैठकर ओम बोला जाता है उस रूम की पॉजिटिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। अगर आप पानी के पास बैठकर ओम बोलेंगे तो पानी में सर्टेनली पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कुछ तिब्बती लोग एक सिंगिंग बॉल का यूज़ करते हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए? उस बॉल की आवाज़ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ओम जैसी लगती है। उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जैसे सर दर्द, घुटनों का दर्द। तो जब ओम अपने अंदर इतनी सारी शक्तियाँ समेटे हुए हैं, हमें उसका यूज़ करना चाहिए। हमारी थायराइड ग्लैंड, स्पाइनल कॉर्ड भी ओम की वाइब्रेशन से स्ट्रॉन्ग होती है। हमारे लंग्स ओम बोलने से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखा आपने, छोटा सा ओम और इतने सारे बेनिफिट्स। तो आइए जानते हैं हम इसे कैसे यूज़ करें। और इसके साथ आपको दूंगी एक सीक्रेट टिप वीडियो के लास्ट में, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको बैठना है एक रिलैक्सिंग पोजीशन में। आई प्रेफर टू सिट इन सुखासन बिकॉज इन दिस पोजीशन माय स्पाइनल कॉर्ड इज स्ट्रेट, माय बैक इज स्ट्रेट, माय नेक इज स्ट्रेट एंड माय पाम्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। डोंट फॉरगेट टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लंबी सांस लेंगे और फिर एक लंबी सांस छोड़ेंगे, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम ओम का उच्चारण स्टार्ट करेंगे। ओम के उच्चारण के साथ एक रहस्यमयी बात जुड़ी है, वो कैसे आइए देखते हैं। ओम बोलने के लिए आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अ का साउंड प्रोनाउंस करना है और ओम अपने आप कन्वर्ट होगा आपके माउथ के मूवमेंट से। देखिए कैसे। तो देखा आपने, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अ बोलेंगे आप और ये अपने आप ओम में कन्वर्ट होगा आपके माउथ के मूवमेंट से। तो एक बार आप मेरे साथ ट्राई कीजिए। यहाँ आपने देखा होगा ओम बोलने के बाद एक साइलेंस आती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओम ख़त्म करते ही म के बाद आपको फिर से सांस नहीं लेना है, आपको उस साइलेंस के लिए एक स्पेस देना है। जैसे तो देखा आपने, ओम के बाद एकदम से इनहेल नहीं करना है, साइलेंस के लिए एक स्पेस देना है, उसके बाद इनहेल करना है। ये साइलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही हमें मानसिक शांति देती है। अब बात करती हूँ उस सीक्रेट टिप की जो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करने वाली थी। जब भी आप ओम बोलते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। जब हम सुखासन में बैठे थे और हमारे पाम्स फेस कर रहे थे स्काई को, तो हमारे हैंड्स में भी पॉजिटिव एनर्जी आ गई। तो अब लास्ट में आपको क्या करना है, जब ओम ख़त्म हो जाता है, आपका उच्चारण ख़त्म हो गया, जितनी भी देर आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपने हैंड्स को रब करना है। देन यू हैव टू प्लेस देम ऑन योर फेस
like this. आपके हैंड्स की ये पॉजिटिव एनर्जी आपके फेस को देगी एक ग्लो, जिसके बाद आपको कोई मेकअप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं और आप हमेशा शाइन करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आप आज ही से ये स्टार्ट करने वाले हैं। अपने घर में छोटे बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं, क्योंकि बचपन ही वो स्टेज है जहाँ पे हम गुड हैबिट्स डिवेलप कर सकते हैं। अगर आज बच्चे ये करना स्टार्ट करते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मेरी आप सभी से ये आशा है कि आप अपने घर में रहने वाले छोटे बच्चों को ये ज़रूर सिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने बेनिफिट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।